दोस्तों, बाइसेप का साइज बड़ा होने से जो कपड़ों की फिटिंग होती है वो काफी अच्छी होती है, और रोजमर्रा के आप भारी काम जो करते हैं उसमें काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। बहुत से लोग, क्या होता है कि कई सारे तरीके अपनाते हैं लेकिन उनको वहां पे सफलता नहीं मिलती है, अपना बाइसेप इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। बट डोंट वरी, इस वीडियो में हम आपको ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जो कि बाइसेप का साइज आप 5 इजी तरीके से 30 दिन में इसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से आई, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए, बाइसेप बनाने की इजी टेक्निक को हम लोग जानते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति कोई भारी काम नहीं कर पाता है तो उसे अक्सर कहा जाता है कि तुम्हारे हाथों में जान नहीं है क्या। इसलिए हर लड़के का सपना होता है कि उसके बाइसेप का साइज बड़ा हो, यानी कि आर्म्स का साइज बड़ा हो और उनमें ताकत बनी रहे, ताकि रोजमर्रा के जो काम हो रहे हैं ना वो इजीली तरीके से कर सके और उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी दिखे। बड़े और मजबूत बाइसेप से कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। और आपने देखा हो कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी और फिटनेस इन्फ्लुएंसर के मजबूत बाइसेप देखकर आपका भी मन हो जाता होगा कि यार मेरे इनके भी बाइसेप है तो मेरे बाइसेप क्यों नहीं हो सकते हैं। इसके लिए लोग काफी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग के बाइसेप का साइज नहीं बढ़ पाता है। वो लोग इंटरनेट या फिर लोकल जिम ट्रेनर्स में आर्म यानी कि बाइसेप का साइज बढ़ाने के लिए बहुत से तरीके अपनाते हैं। ऐसे में कुछ लोगों को फायदा होता है लेकिन कुछ लोगों के बाइसेप का साइज वैसा का वैसा ही रह जाता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं, आपने भी बहुत से कोशिश कर लिया उसके बावजूद भी आपका बाइसेप इंक्रीज नहीं हुआ, बट डोंट वरी, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। हम आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिसको अगर आप लोग यकीनन मानिए फॉलो करते हैं तो 30 दिन में जो आपका बाइसेप है ना वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे है क्षमता के मुताबिक वेट रखें। दोस्तों, जिम में आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बाइसेप्स का एक्सरसाइज करने के लिए हैवी वेट उठाते हैं, इससे ना तो वो सही से एक्सरसाइज कर पाते हैं और ना सही से मसल्स पे लोड आता है। इसकी अपेक्षा बाइसेप एक्सरसाइज करते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको उतना ही वेट उठाना है जिससे कि आसानी से 12 से 15 रेप्स आप कर सके। आखिरी के कुछ रेप्स में आप हल्का सपोर्ट भी ले सकते हैं। दोस्तों, आसान शब्दों में समझे तो आपको उतना ही वेट लेना है जिससे कि आपको एक्सरसाइज को सही तरीके से और पूरा मोशन के साथ आप परफॉर्म कर पाए। अगर आप भारी वेट उठाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो समय है, आपका जो शरीर है वो अच्छे तरीके से पोर्शन में नहीं हो पाएगा और उस एक्सरसाइज करने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। तो आपको उतना ही वेट लेना है जिससे कि आप अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर पाए। नंबर 2, मोटी ग्रिप का उपयोग करना है। एक्सपर्ट बताते हैं कि बाइसेप का साइज बढ़ाने के लिए हमेशा मोटी ग्रिप के बारबेल, रॉड, हैंडल और डंबल से एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसा करने से जो मसल्स आपका होता है ना वो अधिक उस पे लोड आता है जिससे बाइसेप का साइज बढ़ाने में मदद मिलती है। और अगर आप जिस बारबेल या फिर डंबल से एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी ग्रिप पतली है तो ग्लव्स पहनकर आपको एक्सरसाइज करना है जिससे मोटी ग्रिप के साथ एक्सरसाइज कर पाएंगे। नंबर 3, हफ्ते में 2 से 3 बार एक्सरसाइज करें। दोस्तों, रिसर्च से ये पता चला है कि मांसपेशियों के जो प्रोटीन संश्लेषण होते हैं ना उनको 48 से 72 घंटों में फिर से शुरू किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि मसल्स के विकास के लिए सप्ताह में आपको 2 से 3 बार मसल्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसलिए हर हफ्ते आप ट्राई कीजिए कि मसल्स को 2 बार ट्रेन कीजिए। इसके लिए बाइसेप्स के अलग अलग पार्ट की एक्सरसाइज कीजिए जिससे बाइसेप्स और अधिक अच्छे से ट्रेन होगा। नंबर 4, डाइट का अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। बाइसेप्स का साइज बढ़ाने के चक्कर में लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज की अपेक्षा डाइट पे वो काफी कम ध्यान देते हैं जिससे बाइसेप का साइज नहीं बढ़ पाता है। दोस्तों, आप सोचिए, अगर किसी बाइक से कहीं जाना है आपको तो उसमें ऑयलिंग जरूर करवाना है, उसमें पेट्रोल जरूर आपको डलवाना है। उसी तरीके से एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा, जब तक आप अच्छे से डाइट नहीं लेंगे तब तक एक्सरसाइज करने से नहीं होगा। इसीलिए आप ट्रेनर की हेल्प लीजिए और अच्छा प्रोटीन लीजिए और उसके साथ आप अपना डाइट भी अच्छे तरीके से रखिए, इससे आपका बाइसेप्स बढ़ने में अच्छी हेल्प मिलेगी। नंबर 5, ओवरऑल आर्म की एक्सरसाइज आपको करनी है। आर्म के आगे का जो हिस्सा होता है उसे बाइसेप कहते हैं और पीछे का जो हिस्सा होता है उसे ट्राइसेप कहते हैं। अगर किसी को आर्म का साइज बढ़ाना है
तो उसे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों मसल्स को ट्रेन करना होगा। जब दोनों मसल्स अच्छे तरीके से एक्सरसाइज होंगे तो आर्म का साइज दोनों ओर से बढ़ेगा, जिससे हैवी आर्म और बाइसेप बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों ये मैंने आपको 5 टिप्स बताया, यकीनन मानिए अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं तो 30 डेज यानी कि 30 दिन में 100% आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और आप बाइसेप्स बढ़ाना चाहते हैं या फिर नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है तो प्लीज आप एक लाइक करके जरूर से जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।